राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली। महाराज जी से संबंधित एक संस्मरण आपको सुना रहा हूँ। एक बार महाराज जी अपने सभी भक्तजनों को लेकर बद्रीनाथ पहुँचे और उन्होंने सभी को काली कमली वाले की धर्मशाला में ठहराया और हब्बा जी के साथ महाराज जी भी बद्री वन में ही रहे। उन दिनों बद्री वन में कोई बस्ती नहीं थी, वह ऊबड़ खाबड़ और वीरान था। बसंत लाल जी की पत्नी श्रीमती मुन्नी जी, जो श्री माँ के साथ ही स्नान करती और तदुपरांत माँ के साथ बद्री वन जाने पर धर्मशाला में आकर भक्तजनों को चाय पिलाती और फिर बद्री विशाल जी के दर्शन कर बद्रीनाथ बाबा के दर्शनार्थ जाया करती थीं। बाबा सभी आगंतुकों को गरम गरम मालपुओं से तृप्त करते रहते थे। रोज़ की भांति जब एक दिन मुन्नी जी बाबा के पास गईं तो वे उनसे बोले, तूने आज बद्रीनाथ के दर्शन नहीं किए। वह चूँकि दर्शन कर चुकी थीं इस कारण चुप रहीं। बाबा पुनः बोले, जा फिर दर्शन करा। बद्रीनाथ के मंदिर में भीड़ के कारण दर्शनार्थियों को बहुत देर तक भीतर रुकने नहीं दिया जाता था, किंतु यह बाबा की महिमा थी कि उनका जो भी भक्त वहाँ जाता था उसे कोई टोकता नहीं था। मुन्नी जी उनके आदेशानुसार पुनः मंदिर में उपस्थित हुईं और उनको इस बार बद्रीनाथ जी की मूर्ति नहीं दिखाई दी, अपितु उसके स्थान पर उन्हें बाबा सशरीर बैठे दिखाई दिए। वह मूर्तिवत खड़ी रह गईं और यह दृश्य देखती रहीं। उनको मंदिर भेजने के उपरांत बाबा ने उनके ससुर हब्बा जी को दर्शन करने भेजा। वे भी वहाँ गए। बहुत देर तक उन्होंने भी बद्री विशाल के स्थान पर महाराज जी के ही दर्शन किए। बहुत देर हो गई। उसके बाद जब वह वापस लौटे तो हब्बा जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी आपने हमें बेकार दौड़ाया, जो दर्शन आपके हमें यहाँ होते हैं वही वहाँ विग्रह में भी हुए। ये थी महाराज जी की लीला, ये था उनका दयालु कृपालु स्वभाव। आपको महाराज जी से संबंधित यह संस्मरण यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली।